नमस्कार, पेज हैं 20 बड़ी खबरें। हमारी खबरें देखने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, बंगाल में रथ यात्रा नहीं निकाल पाएंगे अमित शाह। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अंटार्कटिका में बर्फ 1980 की तुलना में 6 गुनी तेजी से पिघल रही है, एक नए अध्ययन में हुआ खुलासा। किसानों को जल्द मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, अंतरिम बजट में घोषणा के आसार। उत्तर प्रदेश में फरकाबाद के गांव में कलयुगी बेटे को जब पिता और बड़े भाई ने शराब पीने से रोका, वह हैबान बन बैठा। उसने गाली गलौज शुरू कर दी और फिर धारदार हथियार के बार से पिता की हत्या कर दी। वहीं बड़ा भाई भी उसी हथियार की वजह से लोहिया अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। मामला थाना कमालगंज के गांव भोजपुर का है। सपा और बसपा गठबंधन के ऐलान के बाद पड़े मायावती के पहले जन्मदिन पर अखिलेश मंगलवार को उनके घर गए और उन्हें साल उड़ाकर बुके देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मायावती ने स्वयं घर से बाहर निकलकर अखिलेश की अगवानी की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को जेएनयू संबंधी देशद्रोह मामले में सुनवाई 19 जनवरी तक स्थगित कर दी। इस मामले में पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार व 9 अन्य छात्रों के खिलाफ देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने समेत आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं। राहुल की बिहार व उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू। 3 फरवरी को पटना व 15 को वाराणसी में करेंगे बड़ी रैली। नए साल में भी भारतीय मुद्रा हुई कमजोर, डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा 71 के पार। वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगे। रेलवे ने बजट में 30% बढ़ोतरी की मांग। विधानसभा चुनाव के करीब 7 माह बाद कर्नाटक में फिर सत्ता का नाटक शुरू हो गया है। आज 2 निर्दलीय विधायक व एच नागेश और आर शंकर ने सरकार से समर्थन वापस लिया। हालांकि सरकार गिरने जैसे अभी कोई आसार नहीं है। गौरतलब है कि 224 विधायकों वाली कर्नाटक सरकार में बहुमत का आंकड़ा 113 है, जबकि कुमारस्वामी के पास अभी भी 117 विधायकों का समर्थन है। जीएसटी के ई वे बिल सिस्टम को एनएचएआई के फास्टैग में के निज्म से 1 अप्रैल महीने में जोड़ा जा सकता है, ताकि सामानों की आवाजाही और जीएसटी चोरी पर नजर रखी जा सके। गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल को देश भर में लागू कर दिया गया था। देश का विमानन क्षेत्र लगातार तेजी से बढ़ रहा है और अगले 7-8 साल में करीब 1000 और विमान खरीदे जाएंगे। नागर विमानन सचिव आर एन चौबे ने मंगलवार को कहा कि देश में 100 और हवाई अड्डे शुरू होंगे और अगले 15 साल में हवाई यात्राओं की संख्या 1 अरब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अगले 7-8 साल में करीब 1000 और विमानों की खरीद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के लिए 1550 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का मंगलवार को उद्घाटन किया और कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास की गति तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगी। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने वाली उच्च स्तरीय समिति में शामिल कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाए जाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट समय समिति की 10 जनवरी की बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। फरुखाबाद में मेला रामनगरिया मिनी कुंभ शुरू हो गया है। मेले की शुरुआत होने से पहले संतों ने गंगा में गिरने वाले नाले को लेकर कई बार आवाज उठाई, लेकिन प्रशासन ने नाले को बंद करने के लिए कोई भी पहल नहीं की, जिससे नाराज होकर साधु संतों ने मकर संक्रांति पर शाही स्नान नहीं किया। साधु संतों का कहना है कि प्रयागराज में शाही स्नान में साधु संतों पर पुष्प वर्षा की जाती है और हम लोग गंदे पानी में स्नान करें, ऐसा नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के एडलेड में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से दी मात, 55 रन बनाकर नाबाद लौटे धोनी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को 2 छक्के लगाकर भारतीय ओपनर रोहित शर्मा एक विपक्षी टीम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 छक्के लगाए हैं। इन मामले में उन्होंने विंडीज के क्रिस गेल को पछाड़ दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 88 छक्के लगाए थे। एक्टर दर्शन कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में दिखाई देंगे। यह फिल्म उमंग कुमार के निर्देशन में बन रही है। फिलहाल इसकी कास्टिंग जारी है। इस बायोपिक का निर्माण ले लैंड ग्लोबल स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती का 63वां जन्मदिन कल लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह मनाया गया। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ता व्यापक तैयारियों में जुटे हुए थे। इन दो मुख्य स्थानों के अलावा यूपी के कई जनपदों में जन्मदिन मनाया गया और कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी तहत जनपद कासगंज में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां समाजवादी पार्टी और बसपा कार्यकर्ता एकजुट हुए। देखें इस कार्यक्रम की झलक, जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र साख ने कुछ नेताओं से बात की। जिले के जो समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ पर आए थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जनता को, हमारे जो मतलब जनता है, क्या उसको संदेश क्या देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ गठबंधन हो गया है, उन्होंने उचित समझा कि मानी बहन जी का जन्मदिन है आज, तो वो इसलिए आए थे यहाँ पर मंच पर, शांति बनाए हुए थे जिले में, इसलिए वो समय से चले गए। अच्छा, तो इस पे आपका कहना कि आगे कितनी सीटों तक आने का चांस है उत्तर प्रदेश? सभी साथी बैठे हैं, तो पूरी बीजेपी को साफ कर देंगे हम लोग, बीजेपी ये गंडर पे, आपका कहना है गठबंधन ये बीजेपी पूरी तरह से साफ को साफ करें। तो यहाँ का प्रत्याशी कौन होगा? सभी प्रत्याशी हमारी अखिलेश यादव और माननीय बहन जी तय करेंगे। और बहन जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? बहन जी स्वयं बताएंगे आपको। लाखों चार सदस्य सम्मान्य श्री बॉबी कश्यप जी मुकेश त्रिवेदी जी का शॉल उड़ाकर माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सम्मान्य श्री बॉबी कश्यप जी मुकेश